इस समय बड़े पैमाने पर जो है वो हमारा आउटरीच, हमारी पब्लिक पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं। इसी सिलसिले में आज ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है LOC का, सीमावर्ती क्षेत्र रजौरी के धरहाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही जबरदस्त रैली हुई है। हजारों की तादाद में आवाम ने यहाँ भाग लिया। जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में एक जन सैलाब उमड़ रहा है, वो ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में BJP की हुकूमत बनने वाली है। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर यहाँ BJP का होगा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में काम करेगी। मैं रजौरी की आवाम का, धरहाल की आवाम का और इस सारे एरिया के रहने वाले लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की रैली में जोश और जज्बात दिखाए। यकीनन ये इस बात के एक संकेत आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शंस में BJP की जबरदस्त जीत होने वाली है। रण साहब, जरा सबका साथ सबका विकास की बात आपने की है, सबके साथ सबके विकास के साथ बड़ी देर से पहाड़ी लोगों की SD स्टेटस की मांग चल रही है, भाजपा की तरफ से जरूर ये बात कही जा रही है, और कब तक ये लोग उम्मीद करेंगे इनको ये इनका हक मिलेगा? देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का मिशन है, ये उनका नारा है, ये उनकी गवर्नमेंट का काम करने का तौर तरीका है। यहाँ पिछले 50 सालों से जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं,